हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का मेरा क्लास है मैथमेटिक्स क्लास 12th पर और टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। आप लोगों ने अवकल समीकरण का 4 पार्ट देख लिया। हर पार्ट में मैंने उसके एक अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेके अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको बताया। आज हमारा 5th पार्ट है और 5th पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले ही क्लास में आपसे डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। और आज जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले हैं उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में बोलेंगे रैखिक अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण का यह सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। आप ये मान के चलिए ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे और वो लीनियर से ना हो। मतलब 99% चांस यदि कहीं से क्वेश्चन आने का होता है तो लीनियर से। होमोजीनियस और लीनियर, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लीनियर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर आपको समझ में आ गया है अभी तक। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। यदि हमारा इंटीग्रेशन में कमांड है तो हमको इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमको उसके पैटर्न को समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा नंबर आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको उसके पैटर्न को पकड़ना है। और उसके बाद प्रीवियस टॉपिक में आपने जिस तरीके से इंटीग्रेशन किया है उसी इंटीग्रेशन के बेस पर आपको ये पूरा वर्क करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्लास और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक फंडामेंटल समझा दूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते क्या है। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब रैखिक भी कह सकते हैं या रैखिक अवकल समीकरण। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि किस फॉर्म को, किस तरह के कंडीशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ये है, dy by dx plus p into y equal to q। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जिस तरह से किसी इक्वेशन का ज्योमेट्री में, जैसे किसी इक्वेशन का कि x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, तो आप समझ जाते हो स्ट्रेट लाइन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आप समझ जाते हो सर्कल है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, dy by dx plus p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, तो हमको समझ जाना है कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में है, और नहीं है तो उसको हम उस फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पर ही जो आप देख रहे हो, ये दो वेरिएबल आप, ये दो वैल्यू देख रहे हो पी और क्यू, ये दोनों फंक्शन आप एक्स के होंगे, ठीक है। मतलब पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, माने एक्स के एक फंक्शन होंगे, ये ध्यान में रखना। वाई यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका जो कोफिशियंट होगा, वाई का जो गुणांक होगा वह पी होगा, और यहाँ पर राइट साइड में जो इंडिपेंडेंट एक्स का एक फंक्शन होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसका आपको वर्किंग मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका वर्किंग मेथड, या वर्किंग स्टेप्स, एल्गोरिथम, कुछ भी कह सकते हो। वर्किंग मेथड का मतलब आपको पता ही है बात, कि वर्किंग मेथड में मैं आपको समझाता हूँ कि किस किस स्टेप से हमको इसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IF, ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF कहते हैं हिंदी में इसको, गुणता, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक कहते हैं, समाकलन गुणांक। लेकिन आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इसको IF ही कहो। I का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग, F फॉर फैक्टर। तो सबसे पहले हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, समाकलन गुणांक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है e^(ई)^2 इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, ये ध्यान रखना आप। मतलब e के घात में इंटीग्रेशन p, मतलब यहाँ पर जो p का वैल्यू होता है उसका हम क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, ये होता है इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। उसके बाद दूसरे नंबर में इट्स सॉल्यूशन, सीधा उसके बाद हम
इसका हल लिखते हैं। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा तो इसका हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फार्मूला है, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, कुछ भी लिख सकते हो आप, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हो। उसके ऑर्डर से मतलब नहीं है, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स। इसके बाद इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके वाई का वैल्यू निकालते हैं, वही क्या होता है उसका आंसर होता है। ये है इसका वर्किंग स्टेप, ध्यान से समझिए एक बार। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, किस फार्मूला से, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब हमारे पास जो फंक्शन y होता है, ये y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में q को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करने के बाद जो वैल्यू आता है y का, वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो यह है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। दो चार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, दो चार क्वेश्चन से आपको इसका पूरा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आप सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी पार्ट में आप एक खास बात देख रहे हो कि हमको बेसिकली इसका मेथड समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर दो तीन क्वेश्चन बताने के बाद आपको लगने लगता होगा वही काम है, वही काम है, वही काम है, बस। सिर्फ उसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगा जो यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन आपसे नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आने का मतलब है कि आपका प्रीवियस टॉपिक में अच्छा कमांड नहीं है, तब आप अपने पीछे के टॉपिक को रिवाइज करिए। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें, और कुछ इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पर, एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स इंटू, एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मीडियम लेवल का, प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। और हम इसको देख के समझ गए, डी वाई बाई डी एक्स और वाई को देख के समझ गए कि यह लीनियर फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को, एक्स को पूरा इक्वेशन में सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया उसमें डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशियंट था, उसका जो गुणांक था, वो एक था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम इसको पूरा इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा टू अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो तो देखो ये y है और इसका कोफिशियंट ये है, और यहाँ पर ये दोनों देखो, ये दोनों x के फंक्शन है। देखो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल में कि ये भी x के फॉर्म में होगा, ये भी x के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो सीधा इसके बाद हम लिखेंगे हियर, या आप लिखोगे कि उससे तुलना करने पर, मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स, या एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ सपोज, चलो एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, कंपेयर विथ सिंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, देयर फॉर हियर द वैल्यू ऑफ पी इज, पी का वैल्यू क्या है, ये टू अपॉन एक्स, एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इज एक्स स्क्वायर। तो इससे आप कंपेयर करके, इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके आप लिख लोगे कि पी का वैल्यू क्या है और क्यू का वैल्यू क्या है, ठीक है। देयरफॉर फिर मैंने बताया क्या निकालने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे इसका, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर पी डी एक्स, तो क्या हो जाएगा टू अपॉन एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर टू अपॉन एक्स डी एक्स, दैट इक्वल इसका यदि हम इंटीग्रेशन करें तो e टू दी पावर टू को मैं बाहर कर दिया तो हो जाएगा लाग एक्स। यहाँ पर ध्यान रखना 90% केस में यहाँ पर लाग ही आएगा। अब आप समझ गए होंगे लाग क्यों आएगा, क्योंकि e के पावर में जो लाग होता है तो वहाँ से फिर लाग हट जाता है, ठीक है, इसलिए उस फॉर्म में आएगा। दैट इक्वल इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर लाग एक्स स्क्वायर, और दैट इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि e के पावर में लाग हट जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, समझ सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, देयरफॉर सॉल्यूशन, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन, अतः इसका हल क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला बताया मैंने, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर, और क्यू का वैल्यू क्या है अपने पास, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। तो ये y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करें तो पावर 4 है, ये हो जाएगा पावर 5, x टू दी पावर 5 अपन 5 प्लस सी, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू जब इसमें डिवाइड होगा तो पावर 3 हो जाएगा, तो 1 अपन 5 एक्स टू दी पावर 3 और ये हो जाएगा सी अपन एक्स स्क्वायर। अपन एक्स स्क्वायर और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो बहुत आसान काम है, देखो आप, बहुत ही आसान काम है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा वाई इक्वल टू 1/5 एक्स क्यूब प्लस सी अपन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपन 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ना इसका, आंसर कैसे बुक में दूसरा आया है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक किए क्या अपन बुक में, यहाँ पर पावर 2 आया है आंसर, चेक करो एक बार। x को इसमें डिवाइड किया, x कैंसिल आउट हो गया इतना, अरे सॉरी, यहाँ पर x में जब डिवाइड करेंगे अपन, x में जब अपन डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर में x का, तो ये x होगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लो, ये x होगा, ये x होगा, और यहाँ पर फिर डायरेक्ट यहाँ पर चेंज आएगा ना, ये एक्स एक्स होगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया, डिवाइड किया उसमें ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक सुधार देता हूँ इसको मैं, कहाँ कहाँ पर चेंज आएगा देखो, ये तो एक्स है तो यहाँ पर ठीक है, बस यही चेंज आएगा, पावर 1 है तो एक्स क्यूब होगा, तो एक्स क्यूब तो मतलब एक्स टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4, है ना। ये 1 अपॉन 4 और अब एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा इसमें, नीचे आके एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसमें आंसर ये दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है, यहाँ पर मैं x को डिवाइड किया और यहाँ पर उसको कैंसिल आउट करना भूल गया था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। ओके, तो यह है आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिकली मेरा पर्पस है आपको ये मेथड को समझाना। ओके, आसान है बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम धीरे धीरे डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ले लिया जाए, मैं चाहता हूं कि सब तो एक जैसे क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी वैरायटी अलग हो। dy by dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बना लें इसको। ये एक अच्छा क्वेश्चन, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2 एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन है। देखो अब नेचुरली हमको पता है इसको यहाँ से डिवाइड करना है सब में, तो सब में इसका डिवाइड करो तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x अपॉन, अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा ना x स्क्वायर और इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये किसका वैल्यू है, ये p का वैल्यू है और ये पूरा पूरा किसका वैल्यू है, q का वैल्यू है। तो यहाँ पर एक लाइन में आप ये जरूर लिख लेना हियर करके, यहाँ p इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या निकालना होता है अपने को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे अपन,
वही वही काम है, उसके बाद कुछ देर बाद आपको बोरिंग लगने लगेगा वो काम। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx दैट इक्वल e टू द पावर p का वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स दैट इक्वल, आप समझ गए होंगे इसका डिफ्रेंशिएशन ये है इतना इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंस 2x है, इतना इंटीग्रेशन अब आपको आने लगा होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा दैट इक्वल ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं बोला आपको 99% केस में 99% केस में यहाँ पर लाग ही आएगा, इसको सवाल को क्वेश्चन को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन, देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार आपको फार्मूला को लिखना चाहिए ना, यहाँ पर भी एक बार फार्मूला को लिखना चाहिए कंपेयर करने का यहाँ पर भी, लेकिन मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में आपको आप लिखना चाहिए एक बार, अतः इसका हल करके ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, तो क्यू का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो बहुत से क्वांटिटी वहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेक्स्ट पेज में ही लिख देता हूँ वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर देयर फॉर वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर केवल क्या बच गया कॉस एक्स डी एक्स दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा वाई 1 प्लस क्या खास था इस क्वेश्चन में, इसमें भी कुछ नहीं है, ये हो जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस सी दैट इम्प्लाइज को उधर ट्रांसफर कर दो तो वाई इक्वल टू हो जाएगा ये साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा या तो एक्स का इसका फंक्शन आएगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको ना, ऐसा लिखना है इसको। क्या आंसर देता है इसका आंसर टेली करने एक बार जरूरी होता है, कहीं कुछ बाई दबे मिस्टेक हो जाए तो आप सुधार सकते हो उसको, ठीक है। इसका आंसर है y1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, वाई वन साइन एक्स प्लस सी यहीं पर लिख दिया है आंसर को, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आप लोग को बताया था ना पिछले क्लास में कि आंसर लिखने का कोई जरूरी नहीं है कि कभी भी कोई राइटर यहाँ लिख दिया कोई यहाँ लिख दिया सब सही है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन बनेगा और आसान है ये भी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सब क्वेश्चन आपको लगभग लगभग एक जैसा लगेगा, वही वही काम करना है और ये आता है एग्जाम में बहुत आसान रहता है। असल में मेन है आपका इंटीग्रेशन में कमांड, इसके बाद एक आध क्वेश्चन ऐसा ले लें ई का पावर वाला लेते हैं क्वेश्चन। चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस थ्री वाई सॉरी प्लस थ्री वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स, ई टू द पावर माइनस टू एक्स ऐसा क्वेश्चन है, तो काम तो वही वही करना है, ठीक है। इसमें तो कोफिशियंट वन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पर पी इक्वल टू क्या है थ्री, इसका कोफिशियंट ये पी है, पूरा क्या है q है और q इक्वल टू क्या है e टू द पावर माइनस टू एक्स, ओके। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ थ्री डी एक्स, इसका वैल्यू ये है दैट इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी टू पावर थ्री एक्स, ये हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन लोगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e टू द पावर थ्री एक्स है इक्वल टू e टू द पावर 3x और इंटू क्यू का वैल्यू, तो q का वैल्यू क्या है ये भी तो इतना आसान हो गया e टू द पावर माइनस 2x, जिसको देखो सब क्वेश्चन एक जैसा है, कुछ है ही नहीं है। e टू द पावर 3x इक्वल यहाँ पर दोनों सम हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा dx दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू y इंटू e टू द पावर 3x इक्वल टू ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस सी, तो इस फॉर्म में भी आंसर आप लिख सकते हैं, आप y को इधर ट्रांसफर करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या आंसर दिया है राइटर, एनसीईआरटी क्वेश्चन है अभी,
उधर ट्रांसफ़र कर दिए y का वैल्यू e टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स, ठीक है, ऐसा भी ट्रांसफ़र कर दिए तो y को इसमें डिवाइड होगा तो सीधा e टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स, इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं आप। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है अभी। e टू द पावर x में देखो, यहाँ पर e टू द पावर x को सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो उसके लिए e टू द पावर x की व्यवस्था यहाँ पर दे दी है। मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से जाके वो एडजस्ट हो जाएगा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं रहता, ज़्यादा कठिन इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने तरफ से मैं सफिशियंट क्वेश्चन आपको करा दूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्योंकि लास्ट हमारा कैलकुलस का आज लास्ट क्लास है, समझ लो कैलकुलस का हमारा ये लास्ट क्लास है। ओके, चलो कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें देखो देखने में आसान लग रहा है लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, p का और ये q का। हियर p इक्वल टू q एंड q इक्वल टू साइन x, ये होगा। देयर फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर 2 dx, दैट इक्वल, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x। ओके, तो यहाँ पर देखो साइन एक्स है, यहाँ पर टू एक्स है, यही थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन मिलाएगा। तो देयर फॉर अपन यहीं पर सॉल्यूशन लिखे हैं अपने को, देयर फॉर इट्स सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, मैंने इसको लिखो पहले ई टू दी पावर टू एक्स और इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें कठिनाई क्या है आप देख के समझ गए होंगे, कठिनाई कुछ नहीं, इसका समाकलन करना। तो इसका समाकलन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसके समाकलन का जो फार्मूला का पैटर्न है क्या है, यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स कास बी एक्स डी एक्स का फार्मूला, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है क्या, e टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, e टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट a साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स, ए साइन बी एक्स, ठीक है, a साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये हमने बहुत यूज़ किया है पीछे ये फार्मूला, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करें तो यहाँ पर देखो, हियर इस फार्मूला से इसकी हम तुलना करें तो यहाँ पर x का कोफिशियंट, यहाँ पर x का कोफिशियंट कितना है 2, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर x का कोफिशियंट b है कास में, और यहाँ पर e टू द पावर साइन बी एक्स का फार्मूला होगा ना, मैं कास लगा दिया, नहीं साइन का फार्मूला होगा, e टू द पावर x अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स आता है, ये साइन का फार्मूला है, साइन सॉरी ये साइन का फार्मूला होगा। तो इसका वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू टू हो गया और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा वन। तो इस फार्मूला में हम इसको लगा दें तो क्या हो जाएगा, देयर फॉर वाई इंटू ई टू द पावर टू एक्स इक्वल, क्या है फार्मूला, ई टू द पावर ए एक्स मतलब ई टू द पावर टू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो फोर प्लस वन, ये हो जाएगा फोर प्लस वन और अंडर ब्रैकेट ए, तो ए का वैल्यू कितना है टू। ओके, तो हो जाएगा टू और ये साइन बी एक्स, तो साइन क्या है यहाँ पर साइन एक्स है और माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है वन, तो हो जाएगा कास एक्स, ये होगा। दैट इम्प्लाइज आगे इसको सॉल्व करें तो वाई इक्वल टू ये दोनों ई टू पावर एक्स ई टू पावर टू एक्स दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन फाइव और अंडर ब्रैकेट ये यहाँ पर प्लस सी लिखेंगे और ये हो जाएगा टू साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी। माने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, बाकी कठिनाई जैसे कुछ बात नहीं है, कोई प्रश्न कठिन नहीं है, बस सूत्र की बात है। आंसर आया वन अपॉन फाइव टू साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी। ओके,
तो ये क्वेश्चन है हमारा, कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन के स्टेप के नाम से, बाकी है क्या इसमें भी कुछ नहीं। तो आपको चाहे मैं 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, यही 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 कराते रहो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, समझ लो। सबसे पहले इस क्वेश्चन की आप तुलना करोगे, आप पी लिखोगे, कितना क्वेश्चन, मेरे को थोड़ी देर बाद बोरिंग लगने लगता है, ऑफलाइन क्लास रहता है ना, ऑफलाइन क्लास रहता है तो यहाँ तो थोड़ा संकोच रहता है कि स्टूडेंट्स कर पाएंगे कि नहीं करके। ऑफलाइन क्लास में प्रोसेस बताया, एक आध क्वेश्चन बताया, अगले दिन होमवर्क दिया, पूरे स्टूडेंट्स करके आ जाते हैं कि सर सब बन गया। और किसी का नहीं बनता तो उसको मैं बताता नहीं, उसको बोलता हूँ पीछे के इंटीग्रेशन का रिविज़न कर ले भाई, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन वो नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम यहीं तो आएगा ना, प्रॉब्लम यहीं आएगा। अब इसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे तो इसको नया क्या बताऊँगा, इसको आप पीछे से करो। तो कुछ नहीं है इसमें एक्चुअल में, मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं एक बात बताऊं आपको, डिफरेंशिएशन के पहले दिन से स्टूडेंट जब पढ़ना शुरू करता है उसको कठिन लगता है, लेकिन यदि वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जाए तो आखिरी क्लास, जैसे आज मेरा कैलकुलस का आखिरी क्लास है, आज मेरा कैलकुलस का लास्ट क्लास है, और आज के क्लास में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या चीज़ को बताऊँ मैं, सिर्फ मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड बता दिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना, फिर ये कर लेना, वो कर लेना, एक भी क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ पढ़ाया जा चुका। लेकिन फिर भी चूंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, तो कई स्टूडेंट प्रॉब्लम वस्तु से हो सकता है, कुछ लोग बीच में एंटर करते हैं देखने के लिए, उनको लगेगा अरे सर तो क्या क्या बता दिए पता ही नहीं चला, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, बाकी जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास मेरा देख रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करिए। और कैलकुलस का आज लास्ट क्लास है, एक आध और कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिख रहा है जो आपको बताना चाहिए, बाकी आप लोग कर लोगे बाद में, तो और हमारे क्लास चलेंगे स्पेशल प्रैक्टिस के, उसमें हम देखेंगे बाद में। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट करूँगा जो बहुत ज़्यादा अवेटेड है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार है जिसका आप लोग को, वो है वेक्टर। तो कैलकुलस के बाद सबसे बड़ा कैलकुलस का सिलेबस है 12th क्लास में, उसके बाद इसका वेक्टर ज्योमेट्री का नंबर आता है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा वेक्टर के लिए, जिसमें पहले क्लास में पूरा बेसिक फंडामेंटल, वेक्टर क्या है, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जो भी बेसिक है वेक्टर का, वो आपको फिजिक्स में बहुत काम आता है आपको पता है। तो वेक्टर का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, तब तक कैलकुलस को आप रिवाइज करते रहिए। कैलकुलस आज पूरा हो गया, कैलकुलस पूरा 100% मैंने कंप्लीट कर दिया, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। ओके, थैंक यू।